सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म नाश्ते का ना मजा ही कुछ और होता है। अगर वो हरी सब्जियों से बना हो तो उसका मजा डबल हो जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक चटपटा मजेदार सा पार्टी स्नैक्स, तो चलिए तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु गुप्ता कुकिंग ट्रिपिंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम ये स्नैक्स तैयार करने वाले हैं मेथी और पालक से तैयार कर रहे हैं। तो पालक को मैंने यहाँ पर धोकर रख लिया है और इसकी जो डंडियां थी मोटी वाली उनको निकाल दिया है। इसी तरह से हमने मेथी को भी धो लिया है और साफ कर लिया है अच्छी तरह से। और मेथी के अंदर जो पीले वाले पत्ते होते हैं ना वो हमें निकाल देने हैं। तो चलिए, अब काटने से पहले ना हमें धो लेना जरूरी है और इसको अच्छे से सुखा लेना है, कपड़े से पोंछ लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अब हमने मेथी का जो एक बंच मेथी लिया है और इसको हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो मेथी को काटने से पहले ही हमें धोना है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम बाद में धोते हैं तो इसका जो भी न्यूट्रिशन है वो निकल जाता है। तो हमें इसको रफली चॉप कर लेना है, जरूरी नहीं है कि बहुत बारीक करना है, आप रफली इसको चॉप कर लें। आज का जो स्नैक्स है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, या कोई पार्टी वगैरह है तो भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो मेथी तो हमने देखिए यहाँ पर काट ली है, अब इसे हम एक बड़े मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे। अब यहाँ पर लिया है पालक, पालक को भी हमें इसी तरह से रफली चॉप कर लेना है और जो बड़ी बड़ी डंडियां पालक की है ना उसको निकाल देंगे, बस केवल सॉफ्ट डंडी थोड़ा बहुत रखेंगे, इसको भी रफली और बारीक चॉप कर लेंगे। सर्दियों की जो ये सब्जियां होती हैं इन्हें हम बहुत तरीके से खाना पसंद करते हैं, कभी पराठा बनाते हैं, कभी पकौड़े बनाते हैं। तो आज मैंने ना बिल्कुल एक नए तरीके का स्नैक्स तैयार किया है और डिफरेंट तरीके के इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स किए हैं, तो आप जरूर पूरी रेसिपी चेक कीजिएगा। अब हमने लिया है एक बोल में एक कप पोहा, पोहे को हमें अच्छे से धो लेना है पानी से। तो 3 से 4 बार हम पोहे को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका जो पानी है उसको निकाल देंगे। पानी को भरकर हमें पोहे के अंदर नहीं रखना है। पानी मैंने निकाल दिया है, सिर्फ पोहा हमारा गीला है, तो हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और एक मसाला हम तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए मिक्सर जार लिया है और डाल रहे हैं हम इसमें 3 हरी मिर्चें। इस मसाले का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इस नगेट्स में। अब हमने 2 टुकड़े लिए हैं अदरक के, इसको भी हम मोटा मोटा काट लेंगे। अगर आप गार्लिक खा रहे हैं तो आप गार्लिक भी इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच लिया है साबुत धनिया और 1 चम्मच लेंगे जीरा। और अब हम इस मसाले को ड्राई ही ग्राइंड कर लेंगे, कोई पानी वगैरह नहीं डालना है। देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। अब हमने लिया है साथ में 2 कच्चे आलू जिसको हमने छील कर पानी के अंदर डालकर रखा था और अब इसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करते हुए ध्यान रखना है कि हमें इसमें ना मोटे वाले जो कद्दूकस होता है, मोटे वाला जो ग्रेटर होता है उसमें इसको ग्रेट करना है। दोनों आलू जब हमने कद्दूकस कर लिए हैं तो हम इसे भी मेथी और पालक के साथ ही मिक्स कर लेंगे। इसका ना बहुत ही अच्छा सा क्रंच आता है हमारे नगेट में। और अब जो पोहा हमने लिया था देखिए सॉफ्ट हो गया है अच्छे से, पानी वगैरह हमने बिल्कुल इसके अंदर नहीं छोड़ा था, इसे भी हम पालक मेथी और आलू के साथ ही मिक्स करेंगे। अब ये मसाला भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्ची 1 चम्मच, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर ले सकते हैं। अब हमने इसमें नमक मिक्स नहीं करना है और पहले ही ये सभी चीजें मिक्स करनी है। और जो पालक मेथी हमने ली है ना, क्योंकि अगर हमने नमक डाल दिया तो ये पानी छोड़ देगी और बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए नमक हमें ध्यान रखना है, बाद में मिक्स करना है। अभी हमें इसे अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करना है ताकि जो पालक और मेथी है इन सभी सामान के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसका फ्लेवर आएगा। तो है ना बिल्कुल एक नए तरीके के इंग्रेडिएंट्स इसमें और बहुत ही क्रंची बनता है ये। जो इसमें हमने आलू का लच्छा डाला है ना उसका क्रंच बहुत बढ़िया आता है। तो किसी भी पार्टी के लिए आप इसे बनाकर रख सकते हैं।
तो सभी को बहुत पसंद आता है। तो ये चीजें हमने मिक्स कर ली हैं बहुत अच्छे से। अब स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक। अब बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। आप इसमें कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर सत्तू भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बाइंडिंग हमें डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से बाइंड हो रहा है। ये जो हमने बेसन मिक्स किया है ना, ये ज्यादा भी डल सकता है या कम भी हो सकता है, इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है मेथी और पालक पे। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो मिक्सर है इसमें बाइंडिंग आ चुकी है और अब हम इसके नगेट तैयार करेंगे। तो हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और अब इस मिक्सर से हम थोड़ा सा पोषण देंगे। तो आप इसे बड़े की तरह से भी तैयार कर सकते हैं, एक टिक्की की तरह से आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, या फिर आप इसे ओवल, सिलेंड्रिकल किसी भी शेप में दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे से नगेट्स बनाऊंगी क्योंकि मैं एक पार्टी के लिए स्नैक्स तैयार कर रही हूँ। जब ये पार्टी में सबने खाया ना, सबको बहुत ही पसंद आया था क्योंकि ये बहुत ही क्रंची है। देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे से इसके नगेट्स तैयार करूंगी। तो आप इसे एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर शैलो फ्राई कर सकते हैं, और लेकिन मैं डीप फ्राई करूंगी। तो बस इसी तरह से ना हम छोटे छोटे से नगेट्स बना लेंगे और जो आलू का इसमें क्रंच आता है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, और मेथी पालक का जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया आता है इसमें। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या बनाकर आप इसे 1 से 2 दिन फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसी तरह से बस सभी नगेट्स तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी नगेट्स तैयार किए हैं। ये आपकी चॉइस है, आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े तैयार कर सकते हैं और या फिर इस तरह से नगेट्स बना सकते हैं। नगेट्स को आप एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बड़े को आपको या तो डीप फ्राई करना होगा या फिर शैलो फ्राई। अब हमने यहाँ पर तेल को भी गर्म किया है और तेल को हमने मीडियम हीट पर गर्म किया है, और ये जो नगेट्स हैं हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है हमें लो हीट पर इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, मीडियम से हाई पर ही इसको फ्राई करना है। तो एक बारी में हम काफी सारे नगेट्स ऑयल में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने ना पहले भी मेथी की, पालक की बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं आप लोगों के साथ, जो बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पराठा हैं, पकौड़े हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत हेल्दी हैं। तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं चैनल पर। तो थोड़ी देर के बाद देखिए जब हम इसे चला रहे हैं, पलट लेंगे, थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए अब ये जब फ्राई होने लगी हैं, तेल में ऊपर की तरफ तैरने लगी हैं, जब ये बहुत क्रिस्पी क्रंची हो जाती हैं, गोल्डन कलर में आ जाती हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें कलर कितना बढ़िया सा इसमें आ गया है, और लच्छे जो आलू के दिख रहे हैं ना, इतने क्रंची लगते हैं, बहुत टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कहाँ से हम इस फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए बातों बातों में ही हमने बहुत सारे नगेट्स यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही टेस्टी है, क्रंची है। आप मेरी एक बार बात मानिए और बनाकर देखिए, बहुत ही मजेदार है। तो आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर केचप के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है ना, ऊपर से कितना क्रंची है। तो ये बिल्कुल एक नए तरीके की रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपने शायद पहले कभी इसको नहीं खाया होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप और क्या क्या रेसिपीज मेथी पालक से तैयार करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।